भोला पासवान शास्त्री, तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री, इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री, देश के पहले अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के चेयरमैन, लेकिन अपने लिए एक रुपया भी कभी जमा नहीं किया। आज उनके परिवार के लोग मजदूरी करते हैं और कई लोगों के पास तो राशन कार्ड तक नहीं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनसे उनके ही परिवार वालों ने कहा था कि गांव तक की कम से कम सड़क ही पड़वा दीजिए, तो उन्होंने जवाब में कहा था कि गांव का विकास किया तो उन पर दाग लग जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उनके मरने के बाद कोई ना कोई रोड तो बनवा ही देगा। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम में हम छोटा थे, जब वो टीकापुर और कल्हा स्कूल और बरेटा स्कूल और कोल्हा से बरेटा से वो पास किया, सर्वोदय आश्रम में गया, वो कांग्रेस का सदस्य बने और उसके बाद वो चला गया कोल्हा क्षेत्र से, वो जीता विधायक में जीत कर चला गया पटना से वो मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री से हो गया मुख्यमंत्री बने तीन बार, वो शिक्षा मंत्री बने भी हैं वो, और उसके बाद बहुत दिन पर वो करीब 50 साल पर घर आया। वो आया तो सबूतरी एक बस्ती है, वहाँ एक मदरसा का उद्घाटन किया वो, उसके बाद आया फिर यहाँ घर पर, यहाँ अपना यहाँ देखा सब परिवार को, सब ने उसको स्वागत किया। उसके बाद बोला कि हाँ अच्छा हम ठीक है, हम जा रहे हैं पटना, आप लोगों के लिए कुछ सोचेंगे, अभी तक तो नहीं सोचा, लेकिन देश के लिए बनाया, अपना घर के नहीं बना। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने सरल और सीधे स्वभाव के थे कि अक्सर जमीन पर बिछे फटे कंबल पर ही बैठकर लोगों से और अधिकारियों से मीटिंग शुरू कर दिया करते थे। किसी तरह का दिखावा उनको पसंद नहीं था। भोला पासवान शास्त्री के भतीजे ब्रिंची पासवान ने कहा कि आज पिताजी के ईमानदारी के सहारे वो जीवन यापन कर रहे हैं, परिवार चलाने के लिए वो मजदूरी करते हैं। अभी हमारे परिवार में तो मजदूरी करते हैं और किसी तरह से पोषण पालन कर रहा, एक कट्ठा भी जमीन हम लोगों के पास में नहीं है। उनकी ईमानदारी को ईमानदारी के लिए हम लोग उसका पालन कर रहे हैं कि मेरे चाचा ईमानदार था, हम लोग ईमानदारी साथ कमाते हैं खाते हैं, लोग भी अभी आता है कई सितंबर में, उसका कहता अभी जिंदा है अमर है, वो ईमानदारी है उसका, अपना हाथ से कोई घर द्वार वो नहीं बनाया है, जो भी बिना है तो यही इंदिरा आवास के माध्यम से चल रहा। बिहार के पूर्व सीएम का गांव बरगाछी वैसे तो समृद्ध गांव है, लेकिन उनका खुद का परिवार आज भी गरीबी में जीता है। शास्त्री जी के कुनबे में अब 12 परिवार हो गए हैं। उनके पास कुल मिलाकर 6 डिसमिल जमीन थी, उसी जमीन में बने एक एक कमरे में दो दो परिवार रहने को मजबूर है। भोला पासवान शास्त्री कहाँ के हैं? भतीजी। की परेशानी छे यहाँ के? परेशानी छे या टुटा रक्षा चले छे, कोनो चीज सरकार मददकारी नहीं करे छे, आ यारो रोड जे छे ई रक्षा होते पानी लागे छे, रोड नहीं बने छे हमरो, आ यारो पखना लटरी रूम नहीं छे, सरकार के अपना से बनाइए तो हमको पैसा है ये नहीं, हम कैसे बनाएगा, तो सरकार पहले पैसा दो नहीं विकलांग को तब ना हम बनाएगा, यह असनी मजदूरी छे, आरो रक्षा फक्सा नहीं दे छे, सब विकलांग छे, अपने देखिए रहल छे कहनो छे, जो कि वोट दिलिए रक्षा चढ़ी सरकार नहीं देखल को होते वहाँ वोटों में रक्षा शहीद गए होते वहाँ कि कहनो विकलांग छे उठा के लाए गए वहाँ। भोला पासवान हमारे गांव का बरगाछी गांव पड़ोसी थे, हम एकदम साधारण परिवार मजदूर क्लास के आदमी थे, बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके मगर अपना परिवार को कुछ नहीं कर पाए, समाज सेवा करते रहे सब दिन, तीन बार मुख्यमंत्री बन चुके, खाली समाज सेवा करते रहे, परिवार के लिए गांव के लिए कुछ नहीं सोचा, खाली समाज सेवा करते रहे। आज उनका परिवार किस परिस्थिति में? मजदूर एकदम बहुत मजदूर क्लास के आदमी हैं। क्या कर रहे हैं उनके परिवार के लोग अभी, क्या क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं।
इनकी ईमानदारी ऐसी थी कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके खाते में इतने पैसे नहीं थे कि ठीक से श्राद्ध तक हो सके। उनके कहानी सुनकर यही समझ में आता है कि ईमानदारी हो तो भोला पासवान शास्त्री जैसी हो। बिहार की माटी में जन्मे ऐसे बिहार के होनहार ईमानदार लाल को हमारा भी शत शत नमन। पूर्णिया से संतोष कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।